हे गाइस, मैं हूँ AR और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब। आज के लेक्चर में हम ब्रेथ एंड ब्रीथ इन दोनों के दरमियान डिफरेंस डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने आज के लेक्चर को नाम दिया है डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेथ की, यानी BREATH, ब्रेथ। ये नाउन है, इसका उर्दू में मतलब होता है सांस। ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ। ये वर्ब है, इसका उर्दू में मतलब होता है सांस लेना। तो एग्जांपल्स पे आइएगा, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। हमारे पास एग्जांपल नंबर वन है टेक अ ब्रेथ, यानी सांस लो। अब यहां पे ब्रेथ BREATH ये नाउन की सेंस में आ रहा है, इसलिए यहां पे कहा जा रहा है टेक अ ब्रेथ, यानी सांस लो। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर टू है ही वॉज नॉट ब्रीथिंग एज ही वॉज डेड, यानी वो सांस नहीं ले रहा था क्योंकि वो मर गया था। अब यहां पे ब्रीथ वर्ब की सेंस में आ रहा है, यानी सांस लेना, तो इसलिए यहां पे ब्रीथिंग यूज हुए हैं, इसलिए यहां पे कहा जा रहा है ही वॉज नॉट ब्रीथिंग एज ही वॉज डेड, यानी वो सांस नहीं ले रहा था क्योंकि वो मर गया था। तो ये था जी महाराज का टॉपिक, जिसमें हमने ब्रेथ एंड ब्रीथ इन दोनों के दरमियान डिफरेंस डिटेल से डिस्कस किया। आई एम श्योर आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इंग्लिश में इस तरह के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपके लिए वो लेक्चर अपलोड कर देंगे। इंग्लिश के इस तरह के मजीद अच्छे लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।